मैं भी नाड़ी मल का रहने वाला हूँ। इस बारे में मुझे ये कहना पता नहीं किसने मारा हो, पता नहीं किसने मारा, मगर रात का टाइम था, बहुत अंधेरा था उस टाइम। तो मैं श्रीनगर में उस टाइम मजदूरी करता था, फिर जब यहाँ आए तो हर किसी को उसका दुख है, हर किसी का दुख इस वक्त भी दुख है, क्योंकि हम इस वक्त भी ये चाहता है कि हमारे पंडित हमारे गांव में रहना चाहिए, हमारे गांव में रहे। बहुत समझ लो कि पता नहीं क्या हो रहा है कश्मीर में, पता नहीं कौन सा सियासत लोग हैं, क्या है, क्या कहना चाहते, क्या करना चाहते, मगर असलियत तो यह है कि हिंदू मुस्लिम सब एक ही है। जहाँ जो कश्मीरी पंडित है, नाड़ी मर का पंडित है, हम उसी का इस वक्त भी खा रहा है, उसी के ज़मीन मजदूरी मशगत कर रहा है, उसका खा रहा है, मगर हमें यह यकीन होना चाहिए कि ये पंडित वापस आना चाहिए। मगर हम उसी रोज़ यहाँ से निकल गए, मेरे पास कुछ थोड़ा 5-10 मरला ज़मीन है मकान के लिए, मैंने उसको बेच दिया, मैंने घास चराई खरीद लिया, उस पर रहना पसंद किया, मगर इस गाँव में मैं अब नहीं रहता हूँ। मैं वजूहत क्या है? वजूहत इसी है कि यहाँ पता नहीं, यहाँ मज़ा ही नहीं है, अब मज़ा ही नहीं है, अब यहाँ इस गांव में मज़ा ही नहीं। हमारा वहाँ शेख माला है, उस नाले के उस पार 10-20 घर थे, वो इतने डरते थे कि पूछो मत। इस वक्त को भी रात को भी बाहर नहीं निकलते, वो चीखे, वो अभी यहाँ, वो आज भी वो याददाश्त है। पता नहीं अगर हम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है, क्या पता है किसने क्या किया, मगर बहुत दुख की बात है। हम इस वक्त भी ये कहना चाहते कि हमारा पंडित हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग थे, बहुत सच्चा आदमी थे वो। हम ये नहीं कह सकते कि वो झूठा है, वो सच्चा आदमी है, मगर जो भी बना रहे सियासत लोग, फिल्में बना रहे हैं, वो बना रहे देश के लिए, वो सब झूठ है, वो सब झूठ है, सब एक एक सारा सर झूठ है। हम कोई भी सबूत करके दे दो कि किसी कश्मीरी भाई ने ऐसे किया है, पता नहीं ये सियासत लोग कैसे, सियासतदान कैसे आ रहा है, क्या कर रहा है इस वक्त, मगर बहुत दुख की बात है, कसम से बहुत दुख की बात, हम इस वक्त भी परेशान हैं। साल 2003 में आज ही के रोज़ यानी 22 और 23 मार्च की दरमियानी शब नादी मर्ग शोपियान में एक ऐसा सानिया पेश आया था जिसमें 23 कश्मीरी पंडितों को हलाक कर दिया गया था। आपको बता दें कि आज ही के दिन नादी मर्ग शोपियान जिस बस्ती में हम मौजूद है, यहाँ पर कुछ नामालूम बंदूकबरदार आए जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को अपने घरों से बाहर निकाल कर एक ही सफ़े में उन्हें खड़ा करके उन पर गोलियाँ बरसाई, जिसमें 23 कश्मीरी पंडित मारे गए। उस रोज़ से लेकर आज तक यहाँ के लोगों में खौफ हिरास का माहौल अभी भी देखा जा रहा है। यहाँ के मुकामी लोग अब यही चाहते हैं कि वो कश्मीरी पंडित जो यहाँ से निकले हैं वो अपने घरों को वापस लौटे, ताकि यहाँ पर फिर से वो भाईचारा देखने को मिले जो उस सायना से पहले देखा जा रहा था। ईटी भारत उर्दू के लिए शोपियान से मैं शाहिद टाक।